सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करते हैं। इसी प्रकार देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को अपनी राशि अनुसार अभिषेक करना शुभ फलदायी होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि जो व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उन्हें सारे संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए जिससे भगवान शंकर की कृपा उन पर सदा बनी रहे। ज्योतिषी दृष्टि से हम विचार करें तो इस बार श्रावण का महीना बहुत अद्भुत योग लेकर के आ रहा है। 29 दिन का यह श्रावण का मास जो है वह आयुष्मान सिद्धि योग में शिववास और करण योग के साथ पहला सोमवार 22 जुलाई के दिन हो रहा है। अंतिम सोमवार 19 अगस्त के दिन होने जा रहा है, वह पांचवा सोमवार रहेगा। उस दिन भी सिद्धि योग है, आयुष्मान योग है। श्रवण नक्षत्र में श्रावण सोमवार प्रारंभ होंगे, श्रवण नक्षत्र में ही इसका समापन होगा। बड़ा अद्भुत योग है। 72 वर्ष के बाद कुछ विशेष योग इस श्रावण के मास में होने जा रहे हैं। तो विशेष प्रकार का शुभ आप प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण के संयोग से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्र पाठ के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, विधिवत भगवान का पूजन करें और अलग अलग राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए यह हम आपको उसके साथ बताते हैं। मिथुन और कन्या राशि, इन राशि के जातक का स्वामी बुध है जिसके अधिपति गणेश जी हैं, तो रुद्राभिषेक के साथ ही साथ गणेश जी का विशेष पूजन करना चाहिए। गणेश जी का अथर्वशीर्ष के द्वारा अभिषेक करें, गणेश जी का तर्पण करें और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं जिससे हमारे जीवन के संकटों की निवृत्ति होगी, विघ्नों का नाश होगा। कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला होता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को दुग्ध से, गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए तो कर्क राशि के जातकों को जीवन में सुख शांति सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके स्वामी शनि हैं, इसलिए इन राशि के जातकों को लघु रुद्र पाठ के द्वारा, जिसको दूसरे शब्दों में नमक चमक पाठ कहते हैं, उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों के संयोग से ऐसा करना चाहिए और यदि वे ऐसा करते हैं तो राहु केतु और शनि इन तीनों ग्रहों के द्वारा समस्त जो अरिष्ट हैं, जो संकट हैं, वो सारे संकट दोष बाधा निवारण होंगे और इन तीनों राहु केतु शनि के द्वारा शुभ फल की प्राप्ति होगी। वृश्चिक और मेष राशि के जो जातक हैं इनका स्वामी मंगल है, तो मंगल ग्रह की शांति के लिए और मंगल ग्रह के द्वारा शुभ फल प्राप्त करने के लिए इन वृश्चिक और मेष राशि के जातकों को गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हो तो जल में गुड़ को मिलाकर के, गुड़ का जो पानी है उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल राशि के जातकों को शुभ की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। वृष और तुला राशि के जो जातक हैं इनके स्वामी शुक्र हैं, इनको भगवान का पूजन करना चाहिए और माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्री समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विशेष तौर पे भगवान शिव को सफेद चावल, दूध, दही, शक्कर विशेष रूप से इनको समर्पित करना चाहिए। इनके जीवन में भी सुख शांति की प्राप्ति होगी। और धनु और मीन राशि के जो जातक हैं इनके स्वामी गुरु हैं, इसलिए इन राशि के जातकों को भगवान शिव का अभिषेक शहद के द्वारा या गाय के शुद्ध घी के द्वारा करना चाहिए और भगवान का श्रृंगार करके विभिन्न प्रकार के सुगंधित जो इत्र है उस इत्र का भगवान शिव को छिड़काव करना चाहिए। तो 12 राशि के जातक यदि बताए गए इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी, समस्त बाधाओं का निवारण होगा और अद्भुत लाभ उनको श्रावण के महीने में प्राप्त होगा।